नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले कड़वी बातें हम सुनाते हैं। जो रोगी नहीं है वही सबसे बड़ा योगी है। ये खास याद रखना है। आप कितने बड़े हो लेकिन शरीर में बीमारी है, रोग है, तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको आपका जीवन आरोग्यमय रहे, आनंदमय रहे, इसके लिए 5 प्रतिज्ञा लेनी चाहिए हर रोज। पहली, रोज योग कसरत करूंगा। जिस दिन नहीं करूं उस दिन सुबह का नाश्ता छोड़ दूंगा। दूसरा, मैं योगाहारी बनूंगा, यानी कि चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। तीसरा, मैं रोज कच्ची हरी पत्तियां जूस के रूप में या चटनी के रूप में भोजन में शामिल करूंगा। चौथा, मैं मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा। और पांचवा, मैं बीमार रह के और व्यसन करके मेरे फैमिली और मेरे देश पे बोझ नहीं बनूंगा। ये 5 बातें आप याद रखिए, प्रतिज्ञा कीजिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको 100% हेल्दी रखने का प्रयत्न करेगा करेगा करेगा। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं प्राकृतिक आहार पद्धति पे बात करता हूँ, यानी कि योगाहार पे बातें करता हूँ। तो मैं अपने आप को ग्रीन इसीलिए कहता हूँ कि हमारे डाइट में हम ग्रीन का ज्यादा महत्व कहते हैं। तो ग्रीन कलर हमारे शरीर में क्लोरोफिल देता है, हरी पत्ती, और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन हमको मिलते हैं। हरी पत्ती सबसे ज्यादा अल्कलाइन भी होती है। तो हरी पत्तियों में हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू बदलती है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, जो हमारे शरीर का मेंटेनेंस के लिए काम आते हैं। और हरी पत्ती का हरा रंग जो क्लोरोफिल है, वो हमारे शरीर में नेचुरल खून बनाता है, हीमोग्लोबिन नेचुरल बनता है। पत्तियों में हरी रंग जो है क्लोरोफिल, वो पंच तत्व अग्नि वायु जल भूमि और आकाश को इकट्ठा करके खोराक बनाता है। वही क्लोरोफिल जब शरीर में आता है तो क्लोरोफिल की जगह लाल रंग का हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होता है। आप उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेना दोनों का गूगल पे। और वही हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में खोराक में से पंच तत्व रिलीज करने का काम करता है। तो जितना हमारा खून नेचुरल, इतनी शरीर में समस्याएं कम। इसीलिए हम हरी पत्ती को ज्यादा प्रमोट करते हैं और इसीलिए हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर कहते हैं। आरोग्य का पंचामृत आपको याद रखना पड़ेगा। 5 बातें आपके आरोग्य के साथ जुड़ी हुई है। इसमें पहली है, बीमारी क्यों आती है? तो बीमारी आने का एक सिंपल सा वजह है कि जो लोग बिना चबाया खुराक खाते हैं, पकाया खुराक यानी कि एसिडिक खुराक जरूरत से ज्यादा खाते हैं, तब बिना चबाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जरूरत से ज्यादा खाते हो तो शरीर के अंदर भी कचरा इकट्ठा हो जाता है, पकाया खुराक खाते हो तो एसिड बन जाता है। तो ये सब कचरा इकट्ठा होने में जिम्मेदार है। पकाया खुराक में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो कचरा और पोषक तत्व का अभाव दो ही बीमारी की जड़ है। बीमारी नहीं आती है जब आप चबा चबा के खाते हो, कॉन्स्टिपेशन होता नहीं है, अल्कलाइन यानी कि कच्चा खुराक खाते रहते हो तो पोषक तत्व मिलते रहते हैं, तो शरीर में बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाती है कैसे? तो कचरा निकाल दीजिए, पोषक तत्व दे दीजिए। बीमारी से बचने के लिए शरीर में कचरा इकट्ठा ही नहीं होने दो। या तो हर हफ्ते उपवास करो, या तो हर रोज एक टाइम का उपवास करो, मजदूरी नहीं करते हैं तो। जो लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो ही 3 टाइम खाए। आपको सुबह का नाश्ता करना है तो आपको सुबह में योगा एक्सरसाइज करना पड़े पहले, फिर बाद में नाश्ता कर सकते हो। और पांचवी बात कि बीमारी आ गई है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है। कल हमने प्रश्न में देखा था कि टॉक्सिन निकालने के लिए पंचकर्म या षटकर्म के अलावा कोई और रास्ता है, तो शरीर का कचरा कैसे निकाला जाए उसके ऊपर हमने
अलग-अलग जगह का अलग-अलग कचरे के ऊपर हमने बातें की कि भी आपकी आंतों में कचरा इकट्ठा हो जाए तो क्या करो, आपके खून के कचरे को कैसे निकाले, आपके ऑर्गेन के कचरे के कैसे निकाले। हम तो मानते ही है कि 70 से लेके 80% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ शरीर में इकट्ठे हुए कचरे की है। कचरा निकाल लीजिए, अपने आप बीमारियां ठीक हो जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कचरा इसीलिए इकट्ठा होता है कि चबाते नहीं है, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, इसीलिए कचरा हो जाता है। तो आपको वो वीडियो देखने का बाकी है तो कल का वीडियो देख लीजिए, और किसी को समस्या है शरीर में तो उसको भी ये भेज दीजिए वीडियो, इसमें काफी अच्छी तरह मैंने समझाया है। आज का एक प्रश्न है, एक भाई लिख रहे हैं कि डायबिटीज के लिए कोई आहार संबंधी मार्गदर्शन हो तो दीजिए। मैं 60 साल का हूँ, आज मेरी शुगर 400 आई है, पांव के तलिये में जलन हद से बाहर हो रही है, टांगों की हड्डियों में बहुत दर्द होता है। तो डायबिटीज ये राज रोग हो चुका है। क्यों? क्योंकि लोग अब मेहनत कम करते हैं, खाते हैं ज्यादा। जो चीज काम की है वो नहीं खाते हैं, जो नहीं काम की है वो खाते हैं। कोई अंदाजा ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है खान पीन की। इसके लिए ये डायबिटीज आज राज रोग हो गया है। तो डायबिटीज क्या है? तो एक सिंपल सी समझ है इसमें। हमारा जो लीवर है उसके नीचे स्टमक होता है, जहां हमारा खुराक जाता है। स्टमक से इसके पास में नीचे बड़ी आंत और स्टमक के बीच में एक पत्ती जैसा, लंबे लंबी पत्ती के आकार का, जैसे आसोपालो का पत्ता कैसा लंबा होता है, तो ऐसे यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है पेंक्रियास। मैं आपको वो ग्रीन कलर से मार्क करता हूँ, ब्लू कलर से मार्क करता हूँ। देखो ये पेंक्रियाज है, ये बीच वाले पत्ते के आकार का। तो उसका काम क्या है? भगवान ने हमारे शरीर में एक एक ऑर्गेन को बिना उद्देश्य नहीं बनाया है, हर ऑर्गेन का एक काम दिया है। तो पेंक्रियाज का काम क्या है? उसका एकमात्र काम है कि जब हम कोई कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ होते हैं? तो जितनी मीठी चीजें हैं सारी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितनी वजनदार खुराक है यानी कि कंदमूल है, अनाज है, दालें हैं, ड्राई फ्रूट्स है, तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, भले वो स्वाद में मीठा ना हो। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज का थोड़ा आगे वाला फॉर्म है। तो ग्लूकोज से थोड़ा हाई डेंसिटी वाला ये फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमारी खून में एक मर्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होना नहीं चाहिए, शुगर ज्यादा होनी चाहिए नहीं। मान लो आपने ज्यादा कुछ खा लिया और आपके खून में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, शुगर ज्यादा आ गया, तो वो क्या करता है पेंक्रियाज? कि पेंक्रियाज एक इंसुलिन पैदा करता है, वो इंसुलिन आपके खून में आपकी छोटी आंत के अंदर डालता है, ठीक है? तो ये पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन पैदा करता है और आपके खून के अंदर डालता है, और उसका काम क्या है कि आपका जो शुगर है वो शुगर को वो कॉम्पैक्ट मोड में करता है, यानी कि पैकिंग करता है दबा दबा के, छोटा कर लेता है। जैसे कपास है, कपास की रुई होती है तो वो खुली होती है, आप दबाते हो तो दब जाती है, तो उसको पैक करने के लिए उसको दबाना पड़ता है। तो ये पेंक्रियाज क्या करता है, वो इंसुलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्पैक्ट मोड में करता है, यानी कि उसको चर्बी में कन्वर्ट करता है, और ये ऐसी चर्बी बनाता है जिसको कम जगह में ज्यादा स्टॉक कर हो सके। तो वो स्टॉक कहाँ होता है? लीवर में। तो जरूरत से ज्यादा जितना शुगर हमारे खून में आता है वो सारे को कॉम्पैक्ट करके लीवर में भेजने का काम हो जाता है, तो फिर आपके खून में शुगर लेवल कम हो रहता है। तो ये पेंक्रियाज समय समय पे
अपना इंसुलिन पैदा करके आपके खून के जो शुगर लेवल है उसको कम करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि कम नहीं करोगे तो आपका खून को जो पूरा पूरी पूरे शरीर में जो सिस्टम्स है, जो कामगिरी करनी है, वो कामगिरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो लिमिट से ज्यादा शुगर लेवल नहीं रख शरीर रखता है, उसके लिए भगवान ने पैंक्रियाज बनाया है। अब होता क्या है कि हमारी गलत लाइफस्टाइल, हमारे खान पान की गलतियां से ये पैंक्रियाज की कामगिरी बंद हो जाती है, वो इंसुलिन पैदा करना बंद कर लेता है या तो कम पैदा होने लगता है। तो कम इंसुलिन पैदा होने से जब आप कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें, अब कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से, शुगर वाली चीजें कहाँ है, तो सारी मीठी चीजें जो स्वाद में मीठी है, दूसरा सारे अनाज जैसे चावल है, गेहूं है, मक्काई है, तो ये सारे अनाज है, दालें में भी थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स होता है प्रोटीन के साथ, कई ड्राई फ्रूट्स में भी थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई है। तो आप जब खाते हो और ज्यादा हो जाता है तो उसको कॉम्पैक्ट करके उसको चर्बी बना के लीवर में भेज देता है। फिर आपको मान लो खुराक नहीं मिल रहा है शरीर को, तो शरीर क्या करता है, लीवर में जो स्टॉक पड़ा है उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड होती रहती है। तो ये पूरी एक साइकिल चलती है। अब पैंक्रियाज बंद हो जाता है तो बंद होने के कारण क्या है, तो दूसरे लोग आपको कैसे कारण बताते हैं, देख आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पहला ही सवाल पूछता है आपके मम्मी पापा को था, पहला सवाल ये, आपने भूल से भी बोल दिया कि हाँ साहब मेरी माँ को था, मेरे पापा को था, मेरे चाचा को था, मेरे भाई को था, तो तुरंत वो बोल देगा कि भी ये आपको हेरिडिटरी है, आपको वारसागत ये लक्षण है और आपको अब ये रोग जीवन भर जाएगा नहीं और आपको जीवन भर दवाई खाते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पहले आपके माइंड में एक नेगेटिव एंट्री डाली जाती है कि भी ये तो आपको वारसा में मिला है, आपके बाप दादा ने आपको दिया हुआ मिलकत है, इसको आपको पूरी जिंदगी संभाल के रखना है ये बीमारी को, और इसमें से बाहर निकलने का कभी सोचना ही नहीं, ये नेगेटिव एंट्री डाली जाती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, क्यों होता है, तो सिंपल सा है, मैं शुरू से हर रोज बताता हूँ कि आप जरूरत से ज्यादा खुराक खाते हो, शरीर में कचरा इकट्ठा होता है, तो वो कचरा सिर्फ आंतों में होता है ऐसा नहीं है, आपके खून में होता है, आपके ऑर्गेन में भी होता है। अब कोई मशीन काम करना बंद कर लेता है तो इसके पीछे कोई कारण होता है, बिना कारण कोई फैक्ट्री बंद नहीं होती है। अब फैक्ट्री में से प्रोडक्शन बंद हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, या तो फैक्ट्री में लाइट नहीं मिल रही है, या तो फैक्ट्री में कारीगर नहीं है, या तो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं है, या तो फैक्ट्री के मशीन बिगड़े हुए हैं, हाँ मशीन में चक्का जाम हो गया है, ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं हुआ है, तो मशीन के पुर्जे घूम नहीं रहे है, तो और रॉ मटेरियल है तो खराब क्वालिटी का है तो भी प्रोडक्शन नहीं आ सकता। तो कोई ना कोई तो वजह होती है फैक्ट्री बंद होने की, प्रोडक्शन बंद होने की। तो आपके पैंक्रियाज में प्रोडक्शन बंद हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि या तो इसके अंदर चक्का जाम हो गया है, कचरा इकट्ठा हो गया है, या तो उसको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, या तो उसका मशीन बिगड़ा हुआ है जो इंसुलिन पैदा करने वाला है। कोई तो गलती है, कोई तो गड़बड़ी है, बिना गड़बड़ी तो कुछ होता ही नहीं। तो ये हमारी लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, हम खाने में ध्यान नहीं रखते हैं, बॉडी क्लींजिंग नहीं करते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, एसिडिक खुराक ज्यादा खाते हैं, तो यहाँ मेंटेनेंस का भी अभाव है, अच्छे रॉ मटेरियल का भी अभाव है, शरीर में साफ सफाई का भी अभाव है, तो रिपेयरिंग मांग रहा है, सफाई मांग रहा है आपका पैंक्रियाज, और कुछ नहीं मांग रहा है। अच्छा, भगवान ने हमारे शरीर की जितने स्पेयर पार्ट बनाए हैं ना, वो सारे फ्लेक्सिबल बनाए हैं, एक हड्डियों को छोड़ के, हड्डी ऐसी है उसको आप दबाओ नहीं दबेगा, लेकिन शरीर के एक एक ऑर्गेन को आप दबा सकते हो और रिलीज कर सकते हो। तो यहाँ
आपको अब क्या करना है? तो मान लो कचरा आया है तो कचरा निकालना है, रिपेयरिंग मांग रहा है तो रिपेयरिंग का सामान देना है, अच्छा कारीगर मांग रहा है तो कारीगर दे देना है। बस बात खत्म हो गई, कचरा निकाल दीजिए, रिपेयर कर लीजिए और रॉ मटेरियल्स देना चालू कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो क्या करें? तो हमने देखा है एनडीएस फॉलो कर लीजिए, कुछ करना नहीं है। एनडीएस में क्या करना है? सुबह में उठ के टॉयलेट करके एनिमा लेना है, दोपहर तक आपको उपवास करना है, कुछ खाना पीना नहीं है, दोपहर को आपको हरी पत्ती का जूस निकालना है, टेस्टी बनाना है, चटनी बनाना है, कुछ भी, लेकिन हरी पत्ती होनी चाहिए। हरी पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल, जो आपके शरीर को मेंटेनेंस के लिए ये अच्छा हीमोग्लोबिन बनाएगा। हरी पत्तियों में साथ में न्यूट्रिशन होता है, जो आपकी पैंक्रियाज के सेल को डैमेज हो गए हैं, मेंटेनेंस करना है, रिपेयर करना है, तो उसके लिए मिल जाएंगे। तो ये दो चीज हो गई, कारीगर मिल गए, रिपेयरिंग का सामान मिल गया। अच्छा, आपको हरी पत्तियों खाना है, जूस पीना है, तो इसके साथ खट्टे फल भी खाना है। अच्छा, खट्टे फल से क्या होगा कि खट्टी चीज का काम है सफाई का, आपके पेंक्रियाज के अंदर जो कचरा है उसको तोड़ तोड़ के निकालने का काम करेगा, तो सफाई हो जाएगी, कारीगर मिल जाएंगे, रिपेयरिंग का सामान मिल जाएगा। रात में आपको पकाया एक टाइम खाना खा सकते हो, लेकिन उसमें आपको चावल और गेहूं नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि चावल और गेहूं में फाइबर कम होता है, कार्बोहाइड्रेट शुगर बहुत ज्यादा होती है। हाँ, ये आप आलू खाते हैं तो वो भी ऐसा ही है, तो आलू भी नहीं खाना है। तो उसमें सबसे ज्यादा आलू, चावल और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट से जो शुगर का लिए है। अच्छा, शुगर हमको क्यों खानी है? एनर्जी के लिए। अब आप मजदूरी नहीं करते हो, ज्यादा शुगर खाओगे तो फायदा क्या है? अब आपकी गाड़ी में पेट्रोल आप कितनी बार भराते हो? जब आप गाड़ी घुमाने ले जाते हो तभी भरते हो, इसके अलावा तो भरते नहीं हो। अच्छा, आप भर के गाड़ी में पेट्रोल रखो और खर्च नहीं करो तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल भी बिगड़ जाता है, वो बिगड़ जाता है, फिर गाड़ी भी नहीं चलती है, लंबे समय पेट्रोल पड़ा रहता है। तो ये जो आप खा रहे हो, शरीर को खुराक ताकत वाला भी चाहिए, मेंटेनेंस वाला भी चाहिए। अब ताकत वाला खुराक चाहिए कितना? जितना आप मजदूरी करो इतना। अब मेहनत ही नहीं कर रहे हो और ताकत वाला खुराक खाते ही रहोगे, खाते ही रहोगे, खाते ही रहोगे, तो शरीर में तो कचरा ही इकट्ठा हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको रात के खाने में चावल और गेहूं कम करना है, उसके सामने आपको लिटिल मिलेट खाने हैं। लिटिल मिलेट इसीलिए खाने हैं कि लिटिल मिलेट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कम होता है, सामने फाइबर्स ज्यादा होते हैं, और ऐसे फाइबर होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो आपको लिटिल मिलेट उसको पकाने का तरीका भी याद रखना है। आपको दो सुबह में पानी में भिगो के रखने हैं, दोपहर को उसको उबाल के पकाना है। पकाया हुआ लिटिल मिलेट को मिट्टी की हांडी में ही पकाना है। पक जाने के बाद उसके ऊपर कॉटन कपड़ा ढक के रखना है, मेटल का ढक्कन नहीं रखना है, और शाम को, रात को वो ठंडा ठंडा ही मिलेट खाना है आपको, गर्म नहीं करना है दोबारा। क्यों? क्योंकि कई विटामिन्स पत्तियों में सीधा नहीं मिलते हैं हमको, न्यूट्रिशन के साथ नहीं मिलते हैं। तो हमारे शरीर में जो छोटी आंतें, बहुत लंबी होती है 30 फीट जैसी, वो छोटी आंतों में बैक्टीरिया होते हैं, जिसको प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया एक फाइबर रहेगा तो इसके अंदर उसकी कॉलोनी बनती है, और वो खुराक को खा के वो विटामिन्स बनाते हैं। तो वो बायोटिक बैक्टीरिया का शरीर भी, और उसको वो कन्वर्जन करता है, फर्मेंटेशन करने के बाद कई विटामिन्स बनाते हैं, तो वो आपको मरी शरीर को मिलेंगे, क्योंकि वो विटामिन एक ऐसा खुराक है, वो आपको सीधे कहीं से भी नेचर में डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, जो काम के विटामिन से वो ठीक है। तो कई विटामिन हमको सीधे खाने में नहीं मिल जाते हैं, तो वो शरीर खुद तैयार कर लेता है। तो आपको गेहूं चावल की जगह लिटिल मिलेट खाना पड़ेगा, वो भी दोपहर को पकाया हुआ, रात को ठंडा ठंडा ही खाना है। इसके साथ आप पकाई सब्जी खा सकते हो, लेकिन सब्जी को कुकर में नहीं बनाना है, चबा चबा के ही खाना है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में एक्स्ट्रा क्या करना है? तो योगा कर लो। योगा में आपको मंडूकासन ज्यादा करना है। मंडूकासन का मतलब क्या है कि आप दोनों हाथ ऐसे, जहां आपका पेंक्रियाज है, पेट के ऊपर रखना है,
और आपको आगे झुकना है इसे दबा के। तो दबा के झुकोगे तो क्या होगा, आपका जो पेंक्रियाज है वो यूफॉर्म जैसा ही होता है, रबर जैसा होता है। तो आप दबाते हैं उसको, तो दबने से क्या होता है, जब प्रेशर से खून बाहर निकलता है पेंक्रियाज का, तो वो कचरा लेके निकलता है, और दबने के बाद आप जब रिलीज करते हो तो अच्छा साफ खून अंदर आता है, और दबाने से कचरे वाला खून कचरे के साथ बाहर निकलता है। तो ऐसे बार बार आप दबाओगे तो आपके पेंक्रियाज में जो कचरा इकट्ठा हुआ है वो जल्दी बाहर आ जाएगा। तो कचरे के कारण इंसुलिन पैदा होना बंद हो गया था तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो हर रोज 10-10 मिनट मंडूकासन आपको करना चाहिए, कम से कम 10 बार या 10 मिनट हर रोज आप मंडूकासन किया करो, साथ में कपालभाति किया करो। कपालभाति में आप जब फूंक लगाते हो तो आपके पेट अंदर जाता है, तभी हवा बाहर निकलती है। तो पेट जब अंदर जाता है तो आपके ये जठर को, आपके ये पैंक्रियाज को, ये आंतों को दबाता है, और दबने के बाद वापिस आता है। तो ऐसे ये रिपीटेशन होता रहता है कपालभाति करने से। तो ये सब इससे क्या होता है, अंदर जो ऑर्गेन के अंदर के टिश्यू है उसके अंदर का कचरा निकलने लगता है। तो कपालभाति भी इतनी काम की है। अग्निसार क्रिया तो बहुत अच्छी है, इसमें तो पेट को अंदर बार अंदर बार अंदर बार करना होता है। हाँ, श्वास बाहर रोक के पेट को अंदर खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, ऐसे आप जल्दी जल्दी करना है। तो ये अग्निसार क्रिया जो है वो भी आपको ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया काम करके दे सकती है। तो ये सारी आपको एनडीएस भी फॉलो करना है, साथ में ये भी करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी पेंक्रियाज में कचरा है तो कचरा निकल जाएगा, रिपेयरिंग मांग रहा है तो इसके लिए न्यूट्रिशन मिल जाएगी पत्तियों से, लिटिल मिलेट खाओगे तो विटामिन्स भी मिल जाएगी जो मेंटेनेंस के लिए काम के होते हैं, और हरी पत्ती का हरा रंग आपका नेचुरल खून बना लेगा, हीमोग्लोबिन तो जो शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस करेगा, पेंक्रियाज चालू हो जाएगा, आपका डायबिटीज चला जाएगा। अब गोली लेते हैं तो क्या करें, तो आपको यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है। पहला तो आपको सुबह में भोजन करना ही नहीं है, और भोजन नहीं करते हो तो आपको कोई डायबिटीज की गोली नहीं लेनी है, और भोजन नहीं किया है और गोली ले लोगे तो आपको शुगर कम हो जाएगा और चक्कर आके गिर जाओगे। तो सुबह में खाना छोड़ना है तो गोली भी छोड़ देनी है। अच्छा, दोपहर से शाम तक आपको कच्चे पे ही रहना है, और कच्चे में भी आपको खट्टे मीठे फल भी खाने हैं, और खट्टे मीठे फल खाने से शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, अकेले मीठे फल खाओगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। तो आपको खट्टे मीठे फल, अच्छा खट्टे मीठे फल किसको बोलते हैं, जो फल कच्चा होता है तब खट्टा होता है और पकने के बाद मीठा हो जाता है, ऐसा फल आपको खाना है। पका हुआ भी नहीं खाना है, ज्यादा कच्चा भी नहीं खाना है, बीच वाला खाना है, खट्टा मीठा खाना है आपको, ठीक है। तो इससे शुगर लेवल बढ़ता ही नहीं है। तो कच्चा दोपहर से शाम तक आप कच्चा खाइए, और आपको वो शुगर लेवल बढ़ता नहीं है, और बढ़े भी थोड़ा बढ़ेगा भी तो वो आपको नेचुरल है, इसीलिए नुकसान नहीं करता है। रात का एक टाइम पकाया में आप गेहूं चावल की जगह लिटिल मिलेट खा रहे हो, तो मिलेट खाओगे तो इससे भी शुगर लेवल बढ़ता नहीं है, क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा होता है, शुगर कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, तो इससे भी कम होता ज्यादा बढ़ता नहीं है। अब आपने रात को एक टाइम पकाया खाया, सुबह में आपने आपका डायबिटीज चेक किया, आपका डायबिटीज 150 से 200 तक रहता है, तब तक आपको कोई गोली नहीं लेनी है। एक टाइम पकाया के साथ, तीन में से एक टाइम तो उपवास है, एक टाइम दोपहर से शाम तक कच्चा, और रात को एक टाइम पकाया, पकाया में मिलेट, तो 150 से 200 शुगर रहे तब तक आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, और उसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको। मान लो आप रात को भी कच्चा ही खा रहे हो तो आपका शुगर लेवल 250 भी चला जाए ना, तो भी आपको कोई गोली लेनी नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल शुगर शरीर उसको जल्दी इस्तेमाल कर सकता है। ये आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको कैसे इस्तेमाल होता है। आप एक नई रिक्शा ले आओ, पेटी पैक, अच्छा रिक्शा में आप प्योर पेट्रोल डाल दीजिए बिना मिक्सिंग किया हुआ, और रिक्शा चालू कीजिए। अच्छा, रिक्शा चालू करो और मिनिमम एक्सीलेटर पे उसको चालू रखो,
मिनिमम एक्सीलेटर कर दो तो रिक्शा चालू रहेगी बंद हो जाएगी? चालू रहेगी। क्यों? क्योंकि इंजन नया है, पेट्रोल भी शुद्ध है। ठीक है, अब यही नई रिक्शा के अंदर पेट्रोल की जगह केरोसिन भर लो। अब आप रिक्शा चालू करो, फिर आप एक्सीलेटर कम करो, क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इसमें गड़बड़ी किसकी थी? मशीन की थी या फ्यूल की? तो ईंधन की गड़बड़ी है। ठीक है, बस यही समस्या है डायबिटीज में। आप प्योर पेट्रोल भरते हो, गन्ने का रस पियो, तो गन्ने का रस पियोगे तो थोड़ी देर में आपका डायबिटीज बढ़ा हुआ दिखेगा, थोड़ी ही दिन में, थोड़ी ही टाइम में, थोड़ी ही मिनटों में। लेकिन वो गन्ने का रस प्योर पेट्रोल है, आप दोपहर को गन्ने का रस पियो और पूरा दिन आप ऑफिस में बैठे बैठे काम करो, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करो, तो भी आप शाम को चेक करोगे तो वो कम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि वो प्योर पेट्रोल है, इसीलिए आपका शरीर का जो रिक्शा है वो उसको खत्म करता रहता है। लेकिन आपने गन्ने के रस की जगह आपने आलू की सब्जी खा ली, पकाई हुई रोटी खा ली, चावल खा लिया, तो वो केरोसिन हो गया। अब केरोसिन को बर्न करना है रिक्शा में, तो रिक्शा को क्या करना पड़ता है? रेस देना पड़ता है, रेस में ही रखनी पड़ती है। जैसे धीमी की तुरंत रिक्शा बंद हो जाती है। तो आप जैसे केरोसिन वाला खुराक खाते हो, तो उसको एक खुराक को खत्म करने के लिए आपके शरीर के पास आपको मजदूरी करानी पड़ेगी, तभी वो खत्म होगा। और मजदूरी नहीं करोगे, बैठे रहोगे, तो वो खून में शुगर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि वो खत्म नहीं कर पाता है शरीर। ठीक है, तो आप गन्ने का रस पिए, आपके छोटे सेल तक शुगर पहुंच जाएगा और सेल को एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन आप एक केरोसिन वाला खुराक खाओगे, पकाया हुआ कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, तो आपके छोटे छोटे सेल उसको खत्म नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते है शरीर के, और शरीर में एनर्जी भी नहीं लगती है। तो इसके लिए आपको कच्चा ही खाना चाहिए, भले आप मीठे फल खाइए, लेकिन कच्चा खाना है। और दोनों टाइम कच्चा खाओ और आपका शुगर लेवल कभी भी चेक करो और 250 भी आ गया, तो आपको कोई दवाई नहीं लेनी है। क्यों? सुबह में चेक करोगे तो 250 होगा और शाम दोपहर को चेक करोगे तो 250 वाला 100 के आसपास होगा। आप सुबह में दवाई ले लो और 100 कर लो, तो दोपहर को वो 100 वाला 50 हो जाएगा शुगर, आपको चक्कर आ जाएगी। तो ये दवाई में डायबिटीज वाले को इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप करने से आपका पैंक्रियास का कचरा निकल जाएगा। हरी पत्ती और न्यूट्रिशन खाओगे, पत्तियों के साथ न्यूट्रिशन आ ही जाता है, तो रिपेयरिंग भी हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन परमानेंट हो जाएगा। आप माइंड में से पहले निकाल दो कि डायबिटीज की बीमारी नहीं जाती, वो निकाल दो। आपको ये खान पीन में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई समस्या आएगी नहीं। कई लोग क्या करते हैं, कच्चा खाते हैं तो शुगर लेवल बढ़ता नहीं, क्योंकि शरीर खर्च करता रहता है, पेंक्रियाज की सफाई अच्छी होती नहीं है, और दोबारा पकाया खाना चालू कर देते हैं तो दोबारा वापिस आ जाता है शुगर। ऐसा नहीं करना है, पेंक्रियाज को ठीक करना है, और ठीक करने के लिए सफाई करे ऐसे खुराक, खट्टे फल भी लेना है साथ साथ में, आपको अग्निसार क्रिया करनी है, मंडूकासन करना है, कपालभाति करना है, तो आपकी पेंक्रियाज ठीक रहेगी, अंदर कचरा जाम ही नहीं होगा। तो हम जब पकी हुई तीनों टाइम पकाया खुराक खाते हैं, रिफाइंड तेल जैसी चर्बी खाते हैं, तो वो चर्बी तो शरीर में हर जगह चक्का जाम होती है, आपके खून की नलियों में भी होता है और आपके शरीर के हर एक ऑर्गेन के टिश्यू में भी ये चर्बी जाम हो जाती है, इसीलिए आता है। इसको तोड़ना है तो आपको खट्टे फल खाने पड़ेंगे और नेचुरल डाइट करना पड़ेगा। आप पकाया खुराक खाओगे तो कचरा बढ़ेगा ही। एक बार आप साफ हो जाइए, आपका डायबिटीज चला जाए, फिर आपको सिस्टम में रहना है। सुबह में उपवास, दोपहर को कच्चा, दोपहर से शाम तक कच्चे पे, रात को एक टाइम पकाया खाओ, गोली लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जरूरत से ज्यादा आपको खाना है तीनों टाइम, तो फिर मजदूरी करो। मजदूरी करने वाले लोगों को आपको डायबिटीज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो खाते ही इतना खर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, लिटिल मिलेट में कौन से खाए? तो लिटिल मिलेट का मतलब क्या है? छोटा। लिटिल का मतलब है छोटा। तो जिसका जो अनाज का दाना छोटा, राई के दाने से भी छोटा होता है, ऐसे जितने भी दाने वाले अनाज है वो सब लिटिल मिलेट है। देखो यहाँ लिखा है राजगिरा,
गुजराती में राज करो, राजगीरा, छनवा, कट्टो, रागी, कांगनी, कोडो, सामो, बाजरी, चेना, जवार, वो छोटे दाने वाले अनाज है, वो सारे लिटल मिलेट है। दाने की साइज छोटी होनी चाहिए, ये हाइब्रिड अनाज नहीं चाहिए। हाइब्रिड में साइज बड़ी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आ जाते हैं, फाइबर नहीं होते है। तो बड़े दाने वाला सस्ता है, वो गरीबों के लिए है, क्योंकि गरीब मजदूरी ज्यादा करता है, तो उसको सस्ते में अनाज मिलना चाहिए। इसीलिए बड़े दाने वाला अनाज गरीब को खाना है, और ये छोटे दाने वाला ज्यादा पकता नहीं है, खेडूत खेतों में इतना पैदावार नहीं होती है, तो वो पड़ता उसकी कॉस्टिंग ज्यादा लगती है, एक एकड़ में उसका उत्पादन कम होता है, तो खर्चा ज्यादा लग जाता है, तो वो महंगा होता है। तो ये महंगी चीज शहर वाले को खानी है, क्यों? उन लोगों की आमदनी ज्यादा है, मजदूरी करते नहीं है। तो भगवान जानबूझ के सारा सिस्टम रखता है, भगवान होशियार ही है, क्योंकि वो ज्यादा पका के देता है तो वो गरीबों के लिए सस्ता पड़ेगा, इसके लिए उनके लिए है। आपके लिए शहर में रहने वाले को तो ये लिटल मिलेट ही खाने हैं, थोड़े महंगे पड़ेंगे, लेकिन उसी को ये खाओ, मजदूरी नहीं करो तो खाओ इसी को, और मजदूरी करो तो फिर गेहूं चावल सब कुछ चलेगा, आलू भी चलेगा, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मजदूरी नहीं करते है तो फिर ये उसका दंड है आपको, ये महंगा चीज खाने के लिए, ठीक है। तो पेंक्रियाज में ठीक करने के लिए उपयोगी एक प्रोडक्ट भी है, तो हमने एक डायबिटिक नीम की कैप्सूल बनाई हुई है, जो एक्सट्रैक्ट है, बिटर नीम में से एक्सट्रैक्ट निकाल के हमने उसकी कैप्सूल तैयार की है। तो वो आप खाने से पहले, जो लोग कच्चा खा नहीं सकते है या तो आधा ही प्रयोग करते है, वो लोग ये डायबिटिक की गोली हमारी मंगवा ले, खाने से एक घंटे पहले एक एक गोली उसको पी ले कैप्सूल को, तो ये शुगर लेवल कम नहीं करती है, लेकिन आपके पेंक्रियाज को एक्टिवेट करने में बहुत फास्ट करती है। तो आपका अभी जितना शुगर की गोली लेनी पड़ती है, ये महीने, दो महीने, तीन महीने का कोर्स करोगे तो आपकी शुगर की जो क्वांटिटी है गोली की, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कई लोगों की एक महीने में ही छूट जाती है, जुआन लोगों की तो, बुढ़े लोग है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। तो ये जो लोग एनडीएस 100% नहीं फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए डायबिटिक की गोली आती है, ये भी आप ले सकते हो। साथ साथ में आपके पेंक्रियाज में जो चर्बी के गठे हो चुके हैं, उसको तोड़ के निकालना है तो एप्पल साइडर विनेगर का भी आप प्रयोग कर सकते हो, और साथ साथ में आप हृदय अमृत टॉनिक, जो ब्लॉकेज को निकालने का काम करता है, शरीर में जहां जहां ब्लॉकेज है चर्बी के, वो सारे को तोड़ता है, तो ये भी आपके लिए काम की चीजें है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास से मंगवा सकते हो, ठीक है। काम की बातों में, आप जब आपके शरीर का चर्बी निकालते हो तो उसका फायदा कितना होता है, देखिए। पहला तो सबसे पहले आधी डिप्रेशन की समस्या चली जाती है, आधा से ज्यादा 75% नींद की समस्या में से बाहर आ सकते हो, अस्थमा की समस्या सॉल्व हो जाती है, हृदय रोग की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, हाइपरटेंशन चला जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, आपके जो नी पॉइंट में समस्या होती है, गाउट की समस्या है जोड़ों के दर्द की, तो वो चली जाती है, मोर्टालिटी बढ़ जाती है, बच्चे पैदा करने की क्षमता बढ़ जाती है, माइग्रेन की बीमारियां चली जाती है, काफी आपके लीवर जो है वो फैटी लीवर से बच जाता है। तो ये मेटाबॉलिक सिस्टम सिंड्रोम्स अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आप जो खाते हो तो चयापचय की क्रिया अच्छी हो जाती है, डायबिटीज का जोखिम कम हो जाता है। तो ये सारी समस्या क्या है, ये चर्बी की है। हम हर रोज तड़का लगा के डबल रिफाइंड तेल खाते है, तड़का लगा के। अब डबल रिफाइंड तेल आपके घर आने से पहले ही 300-300 डिग्री दो बार उबल के आया हुआ होता है। अब आप मूंगफली के रोस्ट किए हुए सिंग दाने भी खाते रहो ना, तो वो भी ब्लॉकेज बढ़ाते हैं। तो जो 300 डिग्री उबल के आया हुआ तेल आपके शरीर में क्या नहीं कर सकता है। तो चर्बी शरीर में बढ़नी नहीं चाहिए, डबल रिफाइंड तेल तो खाना ही नहीं चाहिए, खाना है तो फिल्टर खाइए, कच्ची घानी का तेल खाइए, लेकिन रिफाइंड मत खाइए। तो ये चर्बी कम करने के इतने फायदे हैं, तो चर्बी मत करो, चर्बी मत खाओ।
तो योगाहार में आहार का इंजीनियरिंग हम समझाते हैं, कुदरत के नियमों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। ये योगाहार में शरीर सफाई और शरीर का खुराक और सावधानी, तीन बातें पे ही हमारी सिस्टम टिकी हुई है। तो ये पूरा चार्ट आपको योगाहार के छोटे छोटे टॉपिक को दिखाता है। हर टॉपिक कैसे हमारे शरीर को लागू होता है वो आपको समझ में होना चाहिए। स्वाद से लेकर शरीर के खुराक की क्वालिटी, खुराक का प्रकार, खुराक की पीएच वैल्यू, वो भी इतना ही महत्व का है। डेयरी प्रोडक्ट आपके लिए काम की ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बीमार है उसके लिए काम का नहीं है। आंतों की सफाई कैसे करनी है, खून की सफाई कैसे करनी है, सारी बातें मैंने हमारे पूरे योगाहार के कोर्स में दिया हुआ है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, योगाहार का कोर्स का पूरा प्लेलिस्ट है, वो एक एक वीडियो सारे करके देख लीजिए। और उसकी लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको रिटर्न मैसेज मिल जाएगा। प्रोडक्ट चाहिए तो भी आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा अहमदाबाद गांधीनगर में सेंटर है, वहाँ हर रोज मुफ्त मार्गदर्शन मिलता है 2:00 से 4:00। अहमदाबाद में 4 दिन होता हूँ मैं और गांधीनगर में 2 दिन होता हूँ। हमारी एक ईबुक अमेजन किंडल पे है और हमारी दूसरी एक यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ की, जहाँ आपको रॉ फूड की रेसिपी मिल जाएगी अच्छी अच्छी। और ये छोटा सा मैसेज, कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए, ठीक है। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, आपको डायबिटीज के पर आपको अच्छी बातें लगी है, तो आप जो डायबिटिक पेशेंट है उनको भेजिए और उनकी भी डायबिटीज की समस्या में से उसको बाहर निकालिए। तो ये छोटी छोटी बातें का ध्यान रखोगे तो आपके शरीर की समस्याएं खत्म हो सकती है। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।